पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनावी माहौल उस पर भी होली का माहौल प्रशासन के लिए चिंताजनक है। चुनाव से पहले होली का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराने का लक्ष्य प्रशासन के सामने चुनौती है। होली का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो इसके लिए सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक ली। बैठक में सभी से होली और चुनावी माहौल में साथ देने की अपील की गई। आयोजित बैठक में सभी से क्षेत्र की परेशानियों को जाना गया। सभी ने क्षेत्रीय परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं कराने की बात कही गई। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी लोगों से राय ली गई। नगर निगम से लोगों की खासी नाराजगी दिखी। शहर में जगह जगह पर गड्ढे खोदे गए हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होली पर निकलने वाले जुलूस की कमेटी के पदाधिकारियों ने भी सड़क निर्माण की बात कही। आशीष त्रिवेदी और अतुल सोती ने कहा कि जिस सड़क से जुलूस निकलता है उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। कुछ हवा में बच्चे टंगे हुए भी होते हैं, तो मेरा अनुरोध यह है कि जो गड्ढे हैं, जो रूट, जिस रूट पर तीनों जुलूस चलेंगे, उस रोड के मोटे मोटे जो गड्ढे हैं वो कम से कम लेवल में हो जाए तो सड़क ना भी, जिससे कि कोई भी ठेले का पहिया जो है वो उस डिसबैलेंस ना हो तो बच्चा गिरेगा। एक निवेदन ये करूंगा कि हमारे बहुत सारे क्षेत्र में नया मुरादाबाद, नया आवास विकास, वहां पर लोग अब बसे हैं तो वहां पर होली जलने के लिए अनुमति मांगी जा रही है, जिसके साथ एफिडेविट और क्षेत्र के निवासियों के लेटर आ रहे हैं। उस मैंने भी कुछ भेजे हैं किसी के माध्यम से, जो जो लोग मेरे पास आए हैं उसमें वो अनुमति जारी हो जाए जिससे आगे के लिए कोई समस्या ना आए। उस क्षेत्र में वो लोग होली जलाना चाहते हैं, नई परंपरा के रूप में वो मामला है, लेकिन चूंकि नवविकसित क्षेत्र है तो वहां वो काम हो जाए। जिस जिस जगह होली जलती है, मेरा निवेदन है कि रात को लैंपर की व्यवस्था रहे, क्योंकि मुरादाबाद में होली रात को 11 बजे जलती है, अमूमन 10:30-11 का समय होगा, वो पंडित जी देंगे, तो लैंपर घूमती रहे, चाहे में बहुत अधिक व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। माहौल खराब करने के लिए एक व्यक्ति को संभालने के लिए हम सब लोग लगेंगे, तो मेरा अनुरोध है कि जहां जहां हमारी होली जलती है वहां लैंपर कम से कम घूमते रहे, कुछ लोगों की ड्यूटी वहां पर कांस्टेबल होंगे रहे तो वो आसानी के साथ सब जगह रहेगा। वहां जगह एक घंटा, ये खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल में पारस्परिक सद्भाव की बात, फूल जैसे हजारों चमन में रहे, जैसे लाखों सितारे गगन में रहे, हमसे इंसानियत का तकाजा है यह, हम भी मिलजुल कर सारे वतन में रहे। शांति समिति की बैठक मुख्य रूप से जो हमारा आगामी होली का त्यौहार है और जो आने वाला चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोगों ने किया था। पूरे जिले भर से लोग आए थे और हमने उनसे यही अपील की है कि हमारा जो जनपद है वो अमन और सौहार्द का जनपद है, तो जो भी आगामी त्यौहार है उसको अमन, भाईचारे और मोहब्बत के साथ मनाएं। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसकी व्यवस्था कर ली है, इसलिए कमेटी की बैठक किया है हमने। जो भी पुलिस व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और निसंदेह जो है वो हमारा जो त्यौहार है बहुत एक अच्छे माहौल में भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्वक करते हैं। आज होली को लेकर यहाँ जनपदीय शांति समिति मीटिंग किए गए, जनपद के सारे प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी और जनपद के सभी संक्रांत लोग इसमें भाग लिए, काफ़ी सुझाव आए और पुलिस और प्रशासन के तरफ से हम लोगों ने क्या व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं वो भी बताया गया और ये अपील हम करते हैं कि सभी लोग शांति होली मनाए।